हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आज हम यहां पर करने वाले हैं कैमरा टेस्ट इसी इन्फिनिक्स हॉट 10 का। तो भाई जो इसका प्राइस है आप सबको पता है, 9000 वाला है ये मेरे पास वेरिएंट। तो बात करें इसके कैमरा की, तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल के दो यहां पर मैक्रो लेंस और आपको डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किया गया है और एक लो लाइट सेंसर भी आपको देखने को मिल जाता है। बात करें इसमें कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको जो नहीं मिलता वो है स्लो मोशन, 4K और EIS। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको ये तीनों फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। बात करें दोस्तों इसके कैमरा UI की, तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर कि वीडियो मोड आपको देखने को मिलेगा, AI कैमरा, ब्यूटी मोड देखने को मिल जाएगा आपको, बोके मोड यहाँ पर देखने को मिलता है, सुपर नाइट मोड है। बात करें दोस्तों यहाँ पर रेजोल्यूशन की, तो आप यहाँ पर 16:9 में भी, या फुल स्क्रीन बोलते हैं जिसको, उस पे यहाँ पर कैमरा चला सकते हो। तो काफ़ी सही ऑप्शन है, फुल स्क्रीन कैमरा वाला यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाती है। इसमें आपको दोस्तों 8 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिलती है, काफ़ी सारी ऑप्शन है यहाँ पर। वीडियो में अगर मैं आपको बताऊँ तो आप यहाँ पर 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30fps, और 2K का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है। जो दोस्तों इस फ़ोन की खासियत है वो है, इसमें आपको फ्रंट में यहाँ पर ड्यूअल फ्लैश देखने को मिलती है। तो भाई आप देख सकते हैं कि काफ़ी सही है इसमें, और इस प्राइस रेंज में ये बहुत सही फीचर है। तो बात करें यहाँ पर इसके कुछ कैमरा सैंपल्स की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर शॉट लिया है, ये डे सैंपल है। तो देख सकते हैं आपकी क्वालिटी उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन उतनी बेकार भी नहीं, तो एवरेज सी यहाँ पर आप बोल सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर नेक्स्ट शॉट की, जो कि मैंने एक यहाँ पर आप देख सकते हैं लीव है उसका लिया है। तो जो बैकग्राउंड में दोस्तों ब्लर है, ये नेचुरल ब्लर है, तो इसको आप पोर्ट्रेट मोड मत समझिएगा, और काफ़ी सही से यहाँ पर इसने डिटेल्स कैप्चर यहाँ पर की हुई है। इसमें दोस्तों अगर आपने नज़दीक से फ़ोटो लेनी है, तो इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर प्रोवाइड किया गया है, जिसकी मदद से आप कुछ इस तरीके के शॉट ले सकते हो। वैसे मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, आप करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो भाई यहाँ पर अगर पोर्ट्रेट मोड की मैं बात करूँ, तो इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। तो मैं यहाँ पर सबसे इम्प्रेस इसके पोर्ट्रेट मोड से हुआ हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले शॉट में यहाँ पर मुझे कोई भी यहाँ पर मिस्टेक दिखाई नहीं दी है, जो कि कैमरा द्वारा यहाँ पर की गई हो। तो पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, तो नो डाउट सब कुछ ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ मैंने HDR में फ़ोटो ली है, और आप देख सकते हैं HDR में जो डिटेल्स है वो काफ़ी सही यहाँ पर निकल कर आई है। बात करें दोस्तों यहाँ पर जूमिंग क्वालिटी की, तो मैंने जब जूम किया तो 8x यहाँ पर मैंने जूम किया है, तो उसके बाद यहाँ पर मुझे पिक्सल्स तो फटे हैं, लेकिन ठीक ठाक मैं यहाँ पर बोलूँगा। तो लो लाइट में दोस्तों कुछ इस तरीके का ये कैमरा यहाँ पर वर्क करता है, तो उतनी अच्छी क्वालिटी निकल कर नहीं आई है, लेकिन इसमें सुपर मोड आपको मिलता है नाइट वाला देखने को, उसका यूज़ करके आप कुछ इस तरीके के शॉट ले सकते हो। और ये दोस्तों काफ़ी इम्प्रेसिव है, और इतना बहुत कम फ़ोन ही यहाँ पर इतना अच्छे से नाइट मोड में यूज़ कर लेते हैं अपने कैमरे को। तो भाई वीडियो की बात करें, तो ये वीडियो मैं यहाँ पर 1080p 30fps पर बना रहा हूँ, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ कि इसमें आपको EIS की कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलती है, तभी ये इतनी वीडियो यहाँ पर ग्लिटर सी आपको देखने को लग रही होगी। और भाई जो डायनामिक रेंज है वो काफ़ी सही है, आप देख ही सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सन की ओर दिखाता हूँ, तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सपोज़र ये लॉक कर लेता है, तो कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो बात करें दोस्तों स्टेबिलिटी की, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्टेबिलिटी इस फ़ोन की उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर EIS देखने को नहीं मिलता है। तो ये था कुछ इसका बैक वीडियो का सैंपल, और फ्रंट वीडियो में दोस्तों मैं कहूँगा कि जो डायनामिक रेंज है वो काफ़ी सही है, बस थोड़ी यहाँ पर मुझे डिटेल्स में कमी लगी है, काफ़ी ब्यूटीफाई होकर यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो भाई बात करें यहाँ पर ह्यूमन शॉट की, तो ह्यूमन शॉट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी ठीक ठाक से निकल कर आते हैं, ज़्यादा अच्छा भी मैं नहीं बोलूँगा। जो थोड़ा फोकस है मेन सब्जेक्ट के, वो थोड़ा यहाँ पर कम मुझे लगा है, बाकी सब कुछ ठीक ही है। बात करें दोस्तों सेल्फ़ी की, तो 8 मेगापिक्सल की आपको यहाँ पर सेल्फ़ी देखने को मिलती है, तो काफ़ी इंप्रेसिव शॉट आप वहाँ से निकाल सकते हो। आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट मोड है, और यहाँ पर काफ़ी सही निकल कर आई है ये फ़ोटो। आप देख सकते हैं अगर इंडोर में भी आप फ़ोटो लोगे तो काफ़ी सही से निकल कर आएगी। तो फ्रंट कैमरा यहाँ पर ठीक ठाक काम कर लेता है, पोर्ट्रेट मोड देखिए आप इंडोर में किस तरीके का निकल कर आया है। बाकी दोस्तों स्किन टोन में थोड़ा यहाँ पर ये स्ट्रगल करता है कई बार, और बाकी ऑल द टाइम यहाँ पर ही दोस्तों ये ठीक ठाक चलता है।
बात करें कुछ और फीचर्स की दोस्तों, तो इसमें आपको यहाँ पर फिल्टर्स भी काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं जो कि कैमरा में इनबिल्ट है, तो उसका यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हो और फ्लैश ऑन करके कुछ आप इस तरीके की यहाँ पर फ़ोटोज़ निकाल सकते हो इसी इन्फिनिक्स हॉट 10 से। तो यार इस वीडियो में था इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों नए व्यूअर हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना और हो सके तो शेयर करना। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए, मैं वहाँ से आपका कमेंट अगली वीडियो में पिक ज़रूर कर लूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।